बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। हाँ बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। प्रेम राग में तोता गाए उसी राग में मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। जाते हर आंगन हमरा डेरा, जहाँ दो घड़ी प्यार मिले अपना वही बसेरा। सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। एक्शन। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। अरे सुना जी, हम शहर जा रहे हैं। कोई शहर में नहीं जाओगे? काका काहे का, का नहीं जाएंगे शहर? हमारे 27,000 रुपयों का कर्जा कौन चुकाएगा? हम नहीं जाने देंगे। बड़ा अजीब शहर है। मुंबई है मैना, मुंबई। कभी देखा है ऐसा शहर? चलो चलो ओंकार भैया के घर चलते, पता मिल गया ना? ना ही मिला पता। हे शिव जी भगवान, बस अब आप ही का सहारा है। अरे पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? घर काहे नहीं गए? हम कैसे आते? हमारे पास ना आपका आता था ना पता। ये है तोता और मैना, आपको नए नौकर नौकरा नहीं चाहिए थे? देखो इन्हें अपने घर ले जाकर अच्छी तरह समझाना, सब कुछ बता देना, उसके बाद ही बंगले पर ले आना। यही तो है आपकी मालकिन, बड़ी दयालु लगती है। ठहरो मैना, इतनी जल्दी नतीजा मत निकालो। सुई गलत हाथ में है। जानता हूं, तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। इसीलिए तो नौकर रखने जा रहा हूँ। नौकर रखने जा रहा हूँ मुझसे पूछे बिना? भगवान, तुम्हें पूछे बिना मैंने जिंदगी में कुछ भी किया है? लेकिन मुझे किसी नौकर वाकर की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है। तुम्हें ये डिसीजन लेने का हक किसने दिया? तुम भूल रहे हो शायद कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझे मजाक पसंद नहीं है। मजाक? मजाक तो जिंदगी ने मेरे साथ किया है। देखो आज जो भी तुम हो ना, सिर्फ मेरे भाई साहब की वजह से हो। अगर मेरे भाई साहब ने बिजनेस में तुम्हारी मदद नहीं की होती तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। सही है, शायद ये बटन मुझे आज टांगना नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ ये सब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कहते हो। गलत फहमी है। नसीहत देने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। तुम्हारे इसी स्वभाव से हम अपना बेटा खो बैठे। बेटा? कौन बेटा? जो भी मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तुम्हारी मर्जी, जैसे रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। बस तुम एक मालकिन और बाकी सब नौकर। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए अब मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। देखो बात समझने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं सब समझती हूँ। नमस्ते मालकिन, ये तोता है और ये मैना। आपके यहाँ नौकरों की जरूरत है ना? हमें नौकरों की जरूरत नहीं है। मगर मालिक ने तो कहा था इसलिए। अब मैं कह रही हूँ, इस घर में मेरी मर्जी चलती है और चलती रहेगी। और चंदा, तुम तो इस बात से वाकिफ हो ना? मगर मालकिन। अगर मगर कुछ नहीं, जाओ यहाँ से वरना तुम्हें भी आउट हाउस से बाहर कर दूंगी। चुप मैना चुप। कितनी मुश्किल से पता मिला था ना यहाँ का। चुप हो जाओ मैना भाभी, चुप हो जाओ। अब हम माँ बाबूजी को क्या जवाब देंगे? लाला जी का कर्जा, लाला जी का कर्जा कैसे चुकाएंगे? चुप। ठीक है मालकिन, हम जा रहे हैं, चलिए। चलो रुको चंदा, तुम जा सकते।
ठीक है। यहाँ आओ। तुम नहीं, तुम। नाम क्या है तुम्हारा? ये है तोता, हम है मैना। तू तोता, मैं मैना। गाँव से आए हो? हमरा गाँव है। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब देना। शादीशुदा हूँ। तो मतलब पहले प्यार हुआ फिर शादी की? पहले बियाह हुआ फिर प्यार हुआ। कहीं भाग कर तो नहीं आए तुम लोग? नहीं, ट्रेन से आए। चुप। माँ और बाबूजी की खुशी से आए हैं, उनकी मर्जी से। हाँ, वो क्या है ना, लाला जी का खर्चा चुकाना था गब्बर सिंह को। घर की बात बाहर नहीं करते। घर की बात बाहर नहीं करते। ठीक से काम करोगे? जी, आपके पैरों की कसम खाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं, वो हाथ दिखाओ। अब ज्योतिषी विद्या जानती है? हमारे हाथ की रेखाएं आपको बताएंगी कि हम ईमानदार हैं। नाखून दिखाओ। नाखून नहीं बताएंगे? देखो, मैं सफाई पसंद इंसान, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे घर में हंसना, खेलना, चिल्लाना, जोर जोर से बातें करना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? एक बात और, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ तो। नहीं नहीं नहीं, आप कहे सूरज रात में उगता है तो रात में, दिन में उगता तो दिन में। क्या मतलब? मतलब हम आपके नौकर हैं, सूरज के नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ अंदर जाकर अपना काम संभालो। हाँ, तो वैसे हम सारा काम। अलबेली कहानी प्यार की, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी भारती पर। Kesh Bakshi, Monday to Friday at 8:30 p.m. Tuesday to Saturday at 12:30 p.m. Only on DD Bharati. राम जी की आवाज एक साथ, वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारे गांव में तो बस अल्लाह की अजान होती है और सारा गांव जाग जाता है। अरे अल्लाह राम नहीं, ये अलार्म है, मोबाइल का अलार्म। अच्छा अच्छा, दैया रे दैया, शहर में तो मोबाइल से अलार्म की अजान होती है और वो भी अपने आप? अपने आप नहीं होती, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर इसको ऐसे करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम नहीं है तुम्हें? जाओ यहाँ से। और चाय कब मिलेगी? चाय ही तो लेकर आई थी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय मालकिन। वाह, अच्छी लगी ना आपको चाय? ठीक है ठीक है। वैसे क्या डाला है इसमें? तुलसी के पत्ते, हमारे माँ जी को भी ऐसी ही चाय पसंद है, इसलिए तो मैंने आपके लिए बनाई। ठीक है, रोज डाला करो। हाँ, हमें पता था कि आपको जरूर पसंद आएगी ऐसी चाय। पता है तुलसी के पत्ते बड़े ही काम की चीज है, तुलसी से दिमाग पर काबू रहता है, तुलसी से दिमाग ठंडा रहता है। आप हमेशा यही चाय पीजिए। पक पक बंद करो और जाओ अपना काम करो, और बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, समझी? जाओ।
वैसे चाय अच्छी बनाई है। जाते हैं माँ के वास्ते। माँ जी के वास्ते का है? माँ जी अपने हाथ से कपड़े नहीं धो सकती का? नहीं नहीं, कपड़ों के लिए नहीं, मक्खन निकालने के लिए। मक्खन? हाँ देखो, इस मशीन में कपड़ों की जगह हम डालेंगे दही, थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये बटन कर देंगे ऐसा टकाक, उसके बाद घूमेगा घर 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 और इस पाइप वहां से निकलेगा छाछ और अंदर बन जाएगा मक्खन। अरे मैना बोल रहे हैं। कौन मैना? मैना मैना मैना, सुनाई नहीं दे रहा है का? मैना, तोता मैना वाली मैना। अच्छा तुम जो भी हो अपने मालिक को फोन दो। हमरे मालिक बर्तन मांज रहे, आज उनका जो नंबर है। क्या बर्तन? यहाँ तक नौबत आ गई है, फिर तुम कौन हो? क्यों, तुम पहले अपना नाम तो बताओ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे मालिक को फोन दो, वो मुझे जानते हैं। नहीं देंगे। और तुम पहले हमें ये बताओ कि तुम हमरे तोताराम को कैसे जानती हो? तोताराम? कौन तोताराम? हमरे मालिक तोताराम। हे भगवान, मुझे तोताराम से नहीं, उस घर के मालिक से बात करनी है। का? ओह, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? मैं ना किससे बात कर रही हो? इधर लो फोन, जाओ अंदर काम करो। हेलो डियर, कैसी हो? हाँ हाँ, नहीं वो मैना, यहाँ लड़की जो काम करती है। हाँ याद है मुझे, बिल्कुल याद है, डोंट वरी, आज रात को सारा काम तमाम कर दूंगा मैं, बस आज की रात होने, वो जैसे सो जाएगी तो काम पूरा कर दूंगा। आज रात को क्या चक्कर हो सकता है? केसरी नंदन तेहु जगवंदन अंजन सुत बलधारी, केसरी नंदन तेहु जगवंदन अंजन सुत बलधारी, संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान, मंगलवार और शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ डीडी भारती पर। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें, फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगल सूत्र एक मर्यादा, मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM, रिपीट नेक्स्ट डे एट 12 noon, ओनली ऑन डीडी भारती। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है का? अरे हम काहे झूठ बोले? तो कुछ मत बोलो, सो जाओ, हमें नींद आ रही है। मेरी तो नींद उड़ गई है,
मालिक जरूर कुछ चक्कर में फंसे हैं। काहे ये चक्कर चक्कर का रट लगाए बैठी हो? अरे हमने खुद सुना, पता है मालिक किसी लड़की के साथ घुसर पुसर कर रहे थे। कहा सुना तुमने? गलत बात है, किसी की बातें ऐसे चोरी छुपे सुनना पाप होता है। तो फिर हम क्या अपने कान बंद कर लेते? हाँ, कान भी बंद करो, मुंह भी बंद रखो, हमें नींद आ रही है, सो जाओ। इसीलिए मालकिन मालिक पर कहर बरसाती है, मालिक की नियत में ही खोट है। काहे भले मानस पे इल्जाम लगा रही हो, मालिक तो साक्षात भगवान का रूप है। माँ जी ठीक कहती है, तुम मर्दों का कोई भरोसा नहीं। अब तो माँ भी सो गई होगी गाँव में, तुम भी सो जाओ। लेकिन हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि मालिक आज रात को मालकिन का जरूर कुछ बुरा करने वाले हैं? अरे तो करने दो, उनकी बीवी है, है? तुमको उन दोनों के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? हमारी आंखों के सामने कुछ बुरा हो तो हम नहीं सहेंगे। हाँ। तो आंखें बंद करो और ये मत भूलो कि मालिक के कहने पर ही उनका भैया ने हमें यहाँ बुलाया है। सो जाओ चुपचाप, सो जाओ। गुड बरी, आज रात को सारा काम तमाम कर दूंगा। यस। मैना चिल्ला इसलिए मैं चिल्लाया। अरे मैना, तुम यहाँ कहाँ आई? मैना, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? हमने मालिक को कमरे में आते देखा मालकिन। अरे मेरा क्या, मैं तो रोज यही सोता हूँ। नहीं, आज रोज की बात नहीं है मालिक। मतलब मैना, सीधे सीधे बताओ मालकिन, हमने देखा मालिक को? देखा, ये बताने की जरूरत नहीं है मालकिन। माफ कीजिए, इसका दिमाग खराब है। हमारा कोई दिमाग खराब नहीं है। अच्छा नहीं है? आधी रात पे किसी को जगाना अच्छा लक्षण है? लक्षण तो इस घर के आदमियों की ठीक नहीं है। खामोश और निकल जाओ यहाँ से। कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वापस अपने गांव लौट जाना, समझे? मालकिन माफ कीजिए, मालकिन गलती हो गई। खबरदार, खबरदार जो एक भी लफ्ज निकाला था। मैंने तुम्हें पहले ही हिदायत दी। वो कहा है मालकिन के मैना को नींद में चलने की बीमारी है। क्या कहा मालकिन? हमें नींद में चलने की बीमारी नहीं है, हम जानबूझकर यहाँ पर आए थे आप ही के भलाई के लिए। ये मालिक क्या? मेरी भलाई के लिए? क्यों? भलाई इसी में है कि तुम जाके सो जाओ, सबको सोने दो। मालकिन आप ध्यान मत दीजिए। मैना जा, जाके सो जाओ। नहीं, हमें कुछ कहना है। अरे जो कुछ कहना है हमें कहो, दुनिया को क्यों सता रही हो? मैना जाओ, जाकर सो जाओ। जी जी मालकिन, हमें कुछ कहना है। अजीब लड़की है। अजीब नहीं, इनोसेंट है। अब तुम भी सो जाओ। तू तोता, मैं मैना। मैं तोता, तू मैना। Dances of India every day at 11 p.m. only on DD Bharati. Kesari Nandan tehu jagvandan Anjani sut baldhari. Kesari Nandan tehu jagvandan Anjani sut baldhari. Sankat mochan naam tumhara, Sankat mochan naam tumhara, har sankat pe bhari. Jai Hanuman, Jai Hanuman. देखिए संकट मोचन हनुमान मंगलवार और शनिवार शाम 5 बजे।
पुनः प्रसारण बुधवार और रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी भारती पर। तोता मैंने कहा होगी यहीं कहीं, अब कहाँ मुंह दिखाएगी? ये भी कोई तरीका हुआ रात बेरात चीखना चिल्लाना? सच कहें हम तो तंग आ चुके हैं उससे। तंग आ चुके हैं? पर क्यों? भूल गई आप कल रात जो उसने हंगामा खड़ा कर दिया था? हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे 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 ठीक है ठीक है, पर वैसे वो दिल की बुरी नहीं है। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है, इसीलिए तो गांव में सब उससे प्यार बांटते हैं और हमें डांटते हैं। अच्छा ठीक है जो भी है, पर तुम उसका जरा ध्यान रखा करो। हाँ ध्यान? ऐसा डांटा है, ऐसा डांटा है ये मजाले मुंह से आवाज भी निकले। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में? ये किसकी आवाज है? कौन गा रहा है ये? गई नौकरी। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में हे ठहर ठहर, ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, कौन दिशा में ले चला है तू बटुहिया, ए ठहर ठहर है सुहानी ये डगर जरा देखन दे, देखन दे कौन दिशा में ले चला। चुप! तुम्हें पता नहीं मलकिन को ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं निकालेगी आवाज, नहीं निकालेगी। मुझे गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन किसी अबला औरत की आवाज बंद कर दी जाए ये तो और भी पसंद नहीं है। हाथ हटाओ। कहा जरूरत थी यूं चीखने चिल्लाने की? हमें गाँव की बहुत याद आ रही थी ना, हमें माँ बाबू जी की भी बहुत याद आ रही थी ना। अरे याद आ रही थी तो गाना काहे गा रही थी? चिट्ठी लिख देती ना। लिखी है ना? ठीक है चिट्ठी हम देखेंगे ही तुमने कहा लिखा है। आदरणीय माँ और बाबूजी को मैना का प्रणाम, आपकी खूब याद आती है मलकिन को। खुश रखना पड़ता है हमेशा वरना डांटती है गैया। बसड़ा हुआ का बाबूजी को कहिए तबीयत पर ध्यान दीजिए मुर्गी के, अंडे बेचा करो भैंसों को, रोज नहलाकर जंगल छोड़ा करो लाला जी को, अगर पैसों की चिंता होगी तो भेज देंगे मेमने के लिए, घुंघरू खरीद कर बांध देना पैरों पर बाबूजी के, और आपका आशीर्वाद हमारे साथ हुआ तो बुरा होगा ही नहीं, यहाँ सब कुछ कुशल आपकी मैना। अरे ये कोई तरीका है चिट्ठी लिखने का? ये कोई तरीका है चिट्ठी पढ़ने का? हमने सब सही लिखा है, तुम गलत पढ़ रहे हो। नहीं लिखा सही है तुमने, लेकिन गलत जगह पे पुलिस स्टॉप लगा दिया है। बताते हैं देखो। आदरणीय माँ और बाबूजी को मैना का प्रणाम, आपकी खूब याद आती है पुलिस स्टॉप, मालकिन को खुश रखना पड़ता है हमेशा वरना डांटती है पुलिस स्टॉप, गैया को बछड़ा हुआ का बाबूजी से कहिए तबीयत पर ध्यान दीजिए पुलिस स्टॉप, मुर्गी के अंडे बेचा करो पुलिस स्टॉप, भैंसों को रोज नहला के जंगल छोड़ा करो पुलिस स्टॉप, लाला जी को अगर पैसों की चिंता होगी तो भेज देंगे पुलिस स्टॉप, मेमने के लिए घुंघरू खरीद कर बांध देना पैरों पर, बाबूजी के और आपके आशीर्वाद हमारे साथ हैं तो बुरा होगा ही नहीं फुल स्टॉप, यहाँ सब कुशल फुल स्टॉप आपकी मैना, ऐसे लिखी जाती है चिट्ठी। शट अप, इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना, हमारी मर्जी। खुद को मलकिन समझ रही हो? खामोश, लगाम पर जबान दे फुल स्टॉप। मैना अब नहीं। अरे मैना, मालिक लड़की के साथ? देखा, अपनी आंखों से देख लिया ना, यही है वो बला। ची 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 ची, हे भगवान, आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कौन है? विश्वास करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करूँ, मेरे पेट में बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ।
देखो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, मैं सबको संभाल लूंगा, तुमको, बच्चे को, आखिर वो भी तो हमारा ही खून है। प्यार की सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी भारती पर। ब्योमकेश बख्शी मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM, Tuesday to Saturday at 12:30 PM, only on DD Bharati. Kesari Nandan Tehu Jagvandan Anjani Sut Baldhari. Kesari Nandan Tehu Jagvandan Anjani Sut Baldhari. Sankat Mochan Naam Tumhara, Sankat Mochan Naam Tumhara, Har Sankat Pe Bhari. Jai Hanuman, Jai Hanuman, Sankat Mochan Jai Hanuman. Dekhiye Sankat Mochan Hanuman, Mangalwar aur Shanivar, Sham 5 baje. Punha Prasaran, Budhwar aur Ravivar, Subha 9 baje. Sirf DD Bharati par. इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगल सूत्र एक मर्यादा, मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM, रिपीट नेक्स्ट डे एट 12 नून, ओनली ऑन डीडी भारती।